तुम भगवान नहीं, तुम तो कोई दुस्साहसी पाखंडी हो जो हमारे प्रभु होने का ढोंग कर रहा है। दुस्साहस तो तुम कर रहे हो सूर्यदेव, अपने भगवान जलंधर को पाखंडी बुलाकर। स्वामी, मैंने कहा था ना आपसे कि सभी देवता आपसे भेंट करने अवश्य आएंगे। यही सही समय है, इन्हें अपना परिचय दे दीजिए, बता दीजिए इन्हें कि आप कौन हैं। उचित कह रहे हो वृंदा, महादेव नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं। तुम सबका वास्तविक भगवान, आज से तुम्हारा वास्तविक शिव, और यह है मेरी पत्नी साक्षात शक्ति। जलंधर तो इसी को लेकर प्रथम पूज्य गणेश जी, ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त ने महादेव से अपनी चिंता व्यक्त की थी। और यह वास्तविक कैलाश जो आज तक संसार की दृष्टि से छिपा हुआ था। किसने बनाया इन्हें शिव और शक्ति? ये हो क्या रहा है यहाँ? विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस मायावी शिव ने अपनी शक्ति दिखाकर, अपना क्रोध दिखाकर तुम्हारे मन में भ्रांति उत्पन्न कर दी, और तुम उसका विश्वास करने में विवश हो गए, अंधे भक्त बन गए। साधारण देवता हो ना, भूल करना तुम्हारी पहचान है, किंतु तुम्हारा भगवान होने के नाते तुम्हारे सभी दोष, सभी भूल क्षमा करने के लिए तैयार हूं, किंतु उसके लिए तुम सबको मेरी शरण में आना होगा। इसका दुस्साहस तो सभी सीमाएं लांग चुका है। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः का जाप कर यज्ञ किया होती तो। बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। कल तुम्हारा जन्म हुआ है और आज तुम महादेव का स्थान लेने चले हो, अद्वितीय मूर्खता है ये। तुम्हें ज्ञात भी है कौन है महादेव? अनादि अनंत अविनाशी है महादेव। हमारे, तुम्हारे और सभी के भगवान है महादेव। शिव को भगवान मानना तुम्हारी विवशता थी, समझ सकता हूं मैं, किंतु अब तुम्हारा वास्तविक भगवान तुम्हारे समक्ष खड़ा है। चिंता मत करो, मैं सगोरी शिव से तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस मेरी पूजा करो, मेरा मंत्र जपो, मुक्ति पा जाओगे उस मायावी शिव की माया से। प्रकट हो चुका हूं, पहचानो मुझे, मैं हूं तुम्हारा ईश्वर, अभिवादन करो मेरा। ओम जलंधराय नमः का जाप करो, कल्याण होगा। जाओ, जाकर मंथन करो, अपने भीतर का सत्य उजागर करो, और लौट कर मेरे शरणागत बनो, उसी में तुम्हारा उद्धार निहित है। स-
सुना नहीं क्या कहा प्रभु ने? भगवान जलंधर के विश्राम का समय हो चुका है, आप लोग प्रभु का प्रसाद ग्रहण करें और प्रस्थान करें यहाँ से। सेविका, ये प्रसाद इन सभी देवताओं को दे दो। ये प्रसाद और भगवान जलंधर के चरणों के पुष्प प्राप्त कीजिए। हटाए सब चरणों को। हमें शीघ्र महादेव के पास जाकर सूचित करना चाहिए। कौन है ये पंडित जो इतना दुस्साहस कर रहा है? अब महादेव ही समाधान करेंगे इस समस्या का, वो ही दंडित करेंगे इसे। महादेव देखने में वो आप ही का प्रतिरूप। हाँ प्रभु, और वो स्वयं को वास्तविक ईश्वर कहता है। स्वयं को ईश्वर कहता है? उसका इतना दुस्साहस? इतना ही नहीं प्रभु, उसने अपने लिए कैलाश के प्रतिरूप का भी निर्माण कर लिया। अब वही उसका निवास होगा। हाँ पिताश्री, कैलाश का वो भद्दा और भड़कीला प्रतिरूप तो हमने भी देखा है। इतने स्वर्ण आभूषणों और रत्नों से लदा हुआ है वो कि कोई भी उसे चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकता। कैलाश तो वो पावन स्थान जहाँ भोग विलास की किसी सामग्री का कोई स्थान नहीं, भक्ति की सरिता बहती है यहाँ। कैलाश का प्रतिरूप करने वाला उसका इतना मन भी नहीं समझ सका। प्रभु, कौन है ये दुष्ट उद्दंड पाखंडी जलंधर? देवराज इंद्र, आपका अहंकार जिसके जन्म का कारण है, अंततः आपकी उससे भेंट हो ही गई। ये क्या कह रहे हैं महादेव? इंद्रदेव है उसके जन्म का कारण? देवराज पर छोड़ी गई मेरी क्रोधाग्नि का प्रतिफल है जलंधर। किंतु आप सभी उसके किस कृत्य से इतने चिंतित हैं? पिताश्री समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो उन्हीं से स्पर्धा करने का अपराध कर रहा है। पिताश्री अभी भी संकट को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? किंतु प्रभु, वो जो कर रहा है वो अत्यंत गंभीर है, स्वयं को भगवान कह रहा है। तो क्या हुआ देवराज, स्वयं को भगवान कहता है तो कहने दीजिए। कुछ भी कहने से असत्य क्या सत्य हो जाता है? संसार मुझसे ही जन्म पाता है और अंत में मुझ में ही समा जाता है। सर्वज्ञात है मेरा ये सत्य, इसलिए असत्य कितना भी कोलाहल मचा ले किंतु सत्य को लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता। प्रभाव होगा, अवश्य होगा, जब सभी देवता शिव के स्थान पर आपकी प्रार्थना करेंगे तो शिव पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। पिताश्री, मेरा विचार है कि समस्या अभी जन्म ले रही है और समस्या के आरंभ में ही उसका अंत करना उचित है। हाँ, किसी का भी स्वयं को भगवान घोषित करना बहुत बड़ा अपराध, किंतु ये जलंधर की प्रारंभिक भूल। कदाचित इसीलिए महादेव उसको दंड न देकर सुधरने का अवसर देना चाहते हैं। हमें सावधान रहना होगा प्रभु, क्योंकि शिव और उसके परिवार वाले आपको एक बहुत बड़ी समस्या घोषित कर अपने मायावी और कपटी उपायों से आपका अंत करने का प्रयास करेंगे।
किंतु देवताओं पर शिव का एकाधिकार अब आप ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप अति बलशाली हैं और गुरु शुक्राचार्य ने आपको अष्ट सिद्धियां प्रदान की हैं, जिससे आप अपराजय हो गए हैं और आपका अंत कोई नहीं कर सकता। आज जलंधर स्वयं को ईश्वर की पहचान बताकर अपना स्थान बना रहा है। कल वो अपने इस परिचय का अधिकार भी जताएगा और जिसके लिए वो सबसे उनके अधिकार छीनने का प्रयास भी करेगा। इससे पूर्व की वो सबके लिए संकट उत्पन्न करे, हमें उसका दमन करना ही चाहिए। यही तो दुविधा है पुत्र, उसने संसार के लिए संकट बनने का संकेत दिया अवश्य, किंतु वो अभी संकट बना नहीं है। संकट है तो समाधान भी अवश्य है। महादेव जलंधर को नष्ट कर इस संकट को जड़ से ही मिटा सकते हैं। हाँ पिताश्री, मैं गणेश से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ पिताश्री, अब हम सभी को इस चिंता से मुक्त कीजिए, संसार की सुरक्षा कीजिए, नष्ट कर दीजिए उसे, मिटा दीजिए जलंधर की पहचान को। आप मात्र ईश्वर की पहचान नहीं, आप तो स्वयं ईश्वर हैं प्रिय बलश्रेष्ठ। स्मरण रखिए, महादेव होने का जन्मसिद्ध अधिकार है आपका, और जो भी उसमें बाधा बनेगा उसका दमन कर अपना ये अधिकार स्थापित करना, ये आपका कर्तव्य है। किंतु गणेश, अपने कृत्य से जलंधर ने स्वयं को प्रमाणित कर क्या किया है? मात्र स्वयं को ईश्वर ही तो घोषित किया है उसने। पिताश्री तनिक रुकिए, अब मैं आप सभी को सरलता से एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। आप सभी ने ऊंट और उसके स्वामी की कथा तो अवश्य सुनी होगी। एक बार एक यात्री मरुस्थल के मार्ग से यात्रा कर रहा था। रात्रि हुई तो उसने शिविर लगाया और विश्राम करने लगा, किंतु शीत बहुत थी, जिसके कारण बाहर खड़ा ऊंट बार बार शिविर के भीतर अपना शीश डाल रहा था। ये देखकर उसके स्वामी को उस पर दया आ गई और उसने ऊंट को शिविर में उसका शीश छुपाने की अनुमति दे दी। सर्वप्रथम ऊंट ने अपना शीश भीतर किया, फिर धीरे धीरे अपना शेष शरीर भी भीतर ले जाने लगा और कुछ समय बाद ऊंट तो शिविर के भीतर था और उसका स्वामी शिविर के बाहर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने केवल आज स्वयं को ईश्वर घोषित किया है, किंतु कल वो आपके सभी स्थानों सभी लोकों में बलपूर्वक प्रवेश कर आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। कुछ लोग शरणागत बनकर आते हैं, जिन्हें शरण भी देनी चाहिए, किंतु जैसे ही वो अपनी जीवन शैली, अपने विचार, अपना धर्म उन पर ही थोपने लगे जिन्होंने उन्हें शरण दी है, तो उनको उनका स्थान दिखाना आवश्यक हो जाता है। जलंधर तो शरणागत बनकर भी नहीं आया, अपितु वो तो हम सभी को शरणागत बनाने के विचार से आया है। इसलिए पिताश्री, यदि समय रहते हमने जलंधर को नहीं रोका तो वो सबके लिए संकट बनकर उभरेगा। पुत्र गणेश, यदि जलंधर स्वयं को ईश्वर कहता है तो सत्य ही तो है। प्रिय बलश्रेष्ठ, सभी देवताओं को आदेश देकर उन्हें अपने समक्ष नतमस्तक होने पर विवश कर दीजिए। उचित कहती है वृंदा, मेरे भगवान जलंधर का तिरस्कार करने का तू साहस करे, वो तुझ देवता, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। अब देवताओं को ज्ञात होगा मेरे बलश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है, भगवान है, वो समस्त संसार को अपने अधीन करेंगे। किंतु कैसे पिताश्री, ये सत्य कैसे है? मेरा अंश तो सभी में है, मैं कार्तिकी में हूँ, मैं उमा में हूँ, प्रत्येक शिला में हूँ, प्रत्येक नदी में मैं हूँ, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अर्थात समस्त सृजन के आधार सभी पंच तत्वों में मैं ही तो हूं। मैं सूर्य में हूं, मैं चंद्र में हूं, संसार के सभी
चराचर जीवों में मैं हूँ और मैं सभी में हूँ तो मैं जलंधर में भी हूँ। मेरा अंश उपस्थित है उसमें तो वो असत्य कहाँ कह रहा है। किंतु महादेव, नहीं, स्वयं को ईश्वर घोषित करना इतना बड़ा अपराध नहीं कि उसे दंड दिया जाए। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और उस पर सार्थक हूं। जब तक जलंधर कोई ऐसा अपराध न करे जिससे संसार को हानि हो, मैं उसे कदापि दंडित नहीं करूंगा। किंतु महादेव, महादेव ने अपना निर्णय सुना दिया। यदि उनके अनुसार अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। अब आप सभी हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। गणेश, यदि महादेव जलंधर को लेकर चिंतित नहीं है तो कदाचित हमें भी अपनी चिंता त्याग देनी चाहिए। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पुत्र गणेश, मुझे ज्ञात है इस घटना से तुम्हारा मन बहुत अशांत है। जब ये नवीन लोक उत्पन्न हुआ था तब मेरा मन भी बहुत व्याकुल हुआ था। किंतु जैसा कि ब्रह्मदेव ने कहा, यदि तुम्हारे पिताश्री शांत हैं, तो हमें भी शांत रहना चाहिए। पुत्र, शकः श्रीमान् लोक चक्षुर्मुहेश्वरः लोक साक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः। देवी संज्ञा, मेरा दिवस, मेरे कार्य का आरंभ तुम्हारे द्वारा मेरी आरती से ही होता है। स्वामी, जीवन का आरंभ आपसे ही होता है। सभी प्राणी, समस्त प्रकृति, यहाँ तक कि वृक्ष आदि भी अपने जीवन के लिए आप पर ही निर्भर हैं। स्वामी, आपके उदय होने से नवीन दिवस का आरंभ होता है, इसलिए मेरा आपकी आरती करना उचित भी है और मेरा परम सौभाग्य भी। सत्य कहा तुमने प्रिय, अब हमें जाना होगा। प्रकृति की गतिशीलता मुझ पर ही आधारित है, इसीलिए मेरी यात्रा में क्षणिक विलंब भी अनुचित होगा। क्या आ गया मेरे समक्ष?
महादेव का त्रिशूल? किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नहीं सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? संकट को सामने देख हमें किसी भी प्रकार की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, अपितु सोच विचार कर कोई भी कदम उठाना चाहिए।